उनके जवाबात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का ये टॉपिक था ज़कात के मुतालिक। तो पहला सवाल ये किया गया है, ज़कात किन पर वाजिब है? जाहिर सी बात है, ये सबसे पहले मालूमात होने ज़रूरी हैं। ज़कात मालिक निसाब पर, आकिल बालिग मालिक निसाब हो। मालिक निसाब किसे कहते हैं? मालिक निसाब जो है, शरीयत ने एक लिमिट मुकर्रर की है माल में, सोना चांदी माल पैसे, इतने लिमिट का जिसके पास माल होगा उसको मालिक निसाब कहते हैं। वो लिमिट क्या है? सोने में 7.5 तोला, चांदी में 52.5 तोला और पैसों में इनमें से कोई एक की कीमत, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत का भी अगर कोई मालिक है, जैसे आज मार्केट में 52.5 तोला चांदी की कीमत, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, जो रेट चल रहा होगा रोज़ अलग अलग होता है, 25,000 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 25,000 कीमत है उसके पास, 52.5 तोला चांदी की कीमत है, सेविंग इनकम की बात नहीं है, सेविंग बची हुई है, और उस पर साल गुजर गया तो उस वो मालिक निसाब हुआ, उस पर ज़कात वाजिब हो गई। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़न के शिकार हैं कि किसी ने कहा कि मेरे पास 5 तोले सोना है, 7.5 तो नहीं है, 2 तोले चांदी है, 52.5 तोला भी नहीं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों निसाबों को मिला करके देखा जाएगा। जैसे 2 तोला सोना और 2 तोला चांदी को मिलाने पर 52.5 तोला चांदी आ सकती है कि नहीं आ सकती, 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाएगी। अगर कोई एक भी निसाब पूरा हो गया तो मालिक निसाब है। ज़रूरी नहीं कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। हाँ, ये कब? जब उसके पास पैसा भी नहीं, चांदी भी नहीं, खाली सोना है, तो देखा जाएगा। जब तक 7.5 तोला नहीं होता तब तक वो मालिक निसाब नहीं है, ये शरीयत की छूट है। ओनली सिर्फ सोना है, गोल्ड है, बाकी उसके साथ दूसरा निसाब का कुछ भी नहीं है, यानी माल भी नहीं, पैसा भी नहीं है और चांदी भी नहीं है। तो कब तक मालिक निसाब नहीं होगा ये? जब तक 7.5 तोला ना हो। लेकिन दूसरे भी हैं इसके साथ, यानी चांदी और पैसे, तो फिर तीनों को मिला करके किसी एक निसाब के बराबर हो जाता है तो मालिक निसाब होगा। इसी तरह सोना बिल्कुल नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ चांदी है उसके पास। चांदी अगर उसके पास 50 तोले भी है तब भी वो मालिक निसाब नहीं हुआ। क्यों? ओनली चांदी है उसके पास। कब मालिक निसाब बनेगा ये? 52.5 तोला चांदी। इस चीज़ को समझ रहे ना? बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हैं कि हमारे पास 10 तोला चांदी भी है, 5 तोला सोना भी है, दोनों भी निसाब को नहीं पहुँचे हैं, यानी 7.5 तोला ये नहीं है और 52.5 तोला ये नहीं। ऐसा नहीं है। अगर 2-3 निसाब की चीज़ें एक साथ आपके पास हैं तो सबको मिला करके अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है तो आप मालिक निसाब हो गए, आप पर ज़कात फ़र्ज है और आपको ज़कात नहीं दी जा सकती। किसी ने अगर ऐसे शख्स को ज़कात दिया तो उसकी ज़कात अदा भी नहीं हुई। क्या ज़कात के पैसों से राशन दे सकते हैं या पैसे ही देना ज़रूरी है? बिल्कुल, जिस मुस्तहिक को, यानी जिसको ज़कात देना ज़रूरी है। वो 8 किस्म के लोगों का जिक्र कुरान पाक में आया है, जिसमें से आज 5 लोग पाए जाते हैं। आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल ग़ारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्नि सबील। अल्लाह ताला ने फरमाया, सदक़ात वाजिबा यानी ज़कात फ़कीरों को दिया जाएगा। फ़कीर का मतलब वो नहीं है जो ढोल बजाते हुए घूमते हैं। फ़कीर, शरई फ़कीर किसको कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन है, जिसके पास निसाब के बराबर पैसे नहीं हैं। यानी जो निसाब अभी मैंने बताया ना, जो लिमिट शरीयत ने मालिक निसाब होने की बताया, उस लिमिट के बराबर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो शरीयत में फ़कीर है। उससे भी कम दर्जे का, यानी खाने पीने की भी उसके पास दिक्कतें हैं, वो मिस्कीन है। फ़कीर को दिया जाएगा, मिस्कीन को। और आमिल जो है वो बादशाह की तरफ से वसूल करने के लिए आते थे, लेकिन अब वो नहीं है, उनका भी जिक्र इस आयत में है, वो नहीं है। वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम, पहले ऐसा था कि कुफ्फार व मुशरिकीन को भी उनका दिल रखने के लिए, इस्लाम की तरफ रग़बत उनको बढ़ाने के लिए ज़कात दी जाती थी, लेकिन वह हुक्म अब
ख़त्म हो गए, मनसूख हो गए, ये भी इस आयत से निकल गए। वो फिर रिकाब और गर्दन आज़ाद करने के लिए, यानी कोई ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप ज़कात का माल दे करके उस ग़ुलाम को आज़ाद करा सकते थे, लेकिन अब ग़ुलामी का दौर भी नहीं है। ये तीन तो इसने से निकल गए, पहले दो मैंने बताया फ़कीर मिस्कीन वो हैं। अब आगे सुनिए वल गारिमीन, अब यहाँ आयत में है जो कर्ज में डूबा हुआ आदमी है उसको भी ज़कात दे सकते हो आप, यानी वो मालिक निसाब नहीं है और लोगों के कर्ज लिया हुआ है और परेशान हाल है, तो उसको ज़कात दो ताकि वो कर्ज के बोझ से निकल जाए। फ़ी सबीलिल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में जो हैं, जैसे इल्म दीन हासिल करने वाला है अल्लाह के रास्ते में, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो कर रहा है वो अल्लाह के रास्ते में, तो जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं उनको भी ज़कात दे सकते हैं। जैसे हम मदारिस को देते हैं, मदरसों में जो तलबा हैं वो अल्लाह की राह में हैं, इसलिए उनके लिए ज़कात है। वबनी सबील, और मुसाफिर को, मुसाफिर जो है रास्ते में है, अगरचे वो अपने घर पर पैसे वाला होगा, मालिक निसाब होगा, लेकिन सफ़र में उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसको भी ज़कात के पैसे आप दे सकते हैं। पांच तो मैंने बताया, फ़कीर मिस्कीन, कर्ज़ वाले को, और अल्लाह की राह में जो है उसको, और मुसाफिर को, इन लोगों को ज़कात आप दे सकते हैं। सवाल यही था। सवाल यानी जिन लोगों को ज़कात देना है, मैंने यही कहा था कि उनको चाहे तो आप पैसा दें, चाहे तो उनकी ज़रूरत का सामान दें, जायज़ है, लेकिन उनको मालिक बनाना होगा आपको। क्या ज़कात कर्ज़ लेकर अदा कर सकते हैं? जब आपके ऊपर है ही नहीं ज़कात तो कर्ज़ा काहे के ले लोगे? मज़ीद कर्ज़ में डूब जाओगे और तुम फिर दूसरों को ज़कात देना पड़ेगा तुम्हें। कर्ज़ लेकर ज़कात नहीं दी जाती। हो सकता है यहाँ सवाल करने वाला ये कह रहा हो कि वो मालिक निसाब है लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पास पैसे नहीं हैं, शायद हो सकता है इनके पूछने का मतलब ये हो, यही है। हाँ, अगर ये मसला है तो फिर उसको कहीं से भी अब ज़कात देना है। देखें सिचुएशन कैसी है, 1,00,000 रुपए में मेरे पास थे, मैं मालिक हूँ, मैं 1,00,000 का मालिक हूँ, तो मालिक के निसाब हो गया, साल गुजर गया, लेकिन अभी ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ज़कात देना था, तो तुम्हारे लिए तो शरीयत ने छूट रखी है, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब ज़कात दोगे, कर्ज़ा लेकर देने की ज़रूरत नहीं, मज़ीद बोझ में जाओगे तुम। इंतज़ार करो कि वो तुम्हारा जो पैसा है वो आ जाए, लेकिन अगर 5 साल के बाद आया तो 5 साल की ज़कात देना होगा, 3 साल बाद आया तो 3 साल की ज़कात देनी होगी, क्योंकि तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, जब आएगा तब दोगे, अभी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए माफ़ है, शरीयत ने कहा इंतज़ार करो। और अगर कर्ज़ा लेकर के अदा कर दिया तो ज़कात तो हो गई, लेकिन वो कर्ज़ा तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ गया, जब तुम्हारी असल रकम आएगी तो कर्ज़ अदा करना होगा। सवाल ये है क्या जायदाद पर भी ज़कात होती है? बिल्कुल, यानी जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हो कि बहुत सारे लोग ज़मीनें जो है ले करके इन्वेस्ट करते हैं और बाद में बेचना चाहते हैं, तो ये माल तिजारत हुआ, उस पर भी ज़कात है, तिजारत का जो माल है उस पर भी ज़कात है। लेकिन जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जिस घर में रह रहे हैं या घर बनाने के लिए कोई जगह लिए हैं उस पर ज़कात नहीं, ऐसी जायदाद जो आप ज़रूरत के लिए लिए हों वो चाहे करोड़ों की क्यों ना हो उस पर ज़कात नहीं, ये हाजत असलिया में से है, ज़रूरत में से है। हाँ, अगर कोई एक थोड़ी सी एक टुकड़ा ज़मीन का ही आपने इसलिए लिया कि आज इसकी कीमत 10,00,000 है, मैं रखूँगा, चंद दिनों के बाद 20,00,000 हो जाएगी, मैं बेचूँगा, तो आप उसमें तिजारत कर रहे हैं ना, तो तिजारत की नीयत हुई आपकी तो उस ज़मीन पर भी ज़कात है। सवाल ये है इस कोरोना के माहौल में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी राशन के मोहताज हैं, तो क्या उन्हें इस हालत में ज़कात के पैसे दे सकते हैं? ज़कात ये शरीयत का हक है, ज़कात ये शरीयत का हक है, यानी अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है, ज़कात सिर्फ साहब इस्लाम को, मुसलमान को ही दी जा सकती है। हाँ, मदद की बात जहाँ तक है, गैर मुस्लिम है उनकी भी आप मदद कर सकते हैं मखलूक़े खुदा होने की हैसियत से, अगर उनमें से कोई मोहताज है आप मदद करें, लेकिन ज़कात के पैसों से नहीं, दूसरी अमाउंट से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं मदद की
ممانعت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مدد نہیں کر سکتی کسی، اسلام تو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ پرٹیکولر ایک یہ ہمارے مذہبی حصہ ہے تو یہ صرف اس وقت ہی ادا ہوگی جب آپ مسلمان کو دیں گے۔ سوال یہ ہے کھیتی باڑی کرنے والے اپنی زکوٰۃ کیسے نکال سکتے ہیں؟ جیسے سب لوگ نکالتے ہیں ویسی ہی، آپ کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس تو ان پر تو وہی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن سوال پوچھنے والا اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کھیتی باڑی کی جو فصل نکلی ہے اس میں کیا ہے، تو اس کا طریقہ الگ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ یعنی جو کھیتی میں جتنی بھی فصل آپ کی آئی اس کا دسواں حصہ اللہ کی راہ میں انہیں خیرات کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی اس وقت جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ویسی ہی اس کی فصل اگائی بغیر کسی زیادہ محنت کے، یعنی اس نے بیج بویا اور فصل نکل آئی اور کٹائی کر لیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے آپ کے کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے بورنگ کیا ہے، پانی کی پائپ لائن چھوڑا ہے اور اس کے بعد کھاد ڈالا ہے، اس میں محنت کیا ہے، تو محنت کر کے جو فصل آئی تو اس میں بیسواں حصہ دے گا، دسواں نہیں، یعنی 5% اپنی پوری فصل کا 5% اللہ کی راہ میں وہ دے گا، اس کو کہتے ہیں وہ عشر والے مسائل ہیں۔ اور جو بغیر کسی اس طرح کے بورویل وغیرہ کے قدرتی پانی سے سینچ کر کے فصل آئی ہے اس میں 10% دے گا۔ سوال یہ ہے سونے کی زکوٰۃ اس کی آج کی قیمت پر دینی ہوگی یا اس کی خریدی ہوئی قیمت پر؟ نہیں، آج کی جو قیمت ہوگی اسی پر زکوٰۃ ہوگی، اگر آپ پیسوں میں دے رہے ہیں تو، اور اگر سونے میں دے رہے ہوں تو آپ کے سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا، ظاہر سی بات ہے سونے میں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہی سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا اسی اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ 20 سال پہلے جو خریدے تھے اس وقت 10,000 روپے تولا تھا اور آج جو ہے میں اسی قیمت سے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے، پھر آپ کے محلے والوں کا، پھر آپ کے گاؤں والوں کا، پھر آپ کے شہر والوں کا، پھر شہر کے پڑوس والوں کا، اس طرح ترتیب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ہر مہینے کی انکم پر زکوٰۃ دیتا ہو تو اس پر سالانہ زکوٰۃ واجب ہے؟ انکم پر کیوں زکوٰۃ دیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا؟ جو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو، جو سیونگ ہے، اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سیلری 1 لاکھ ہے منتھلی، آپ جاب کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں، اب 98,000 آپ کے راشن پانی اور گھر کے خرچوں میں سب چلی جاتی ہے اور بچتے کتنے ہیں؟ 2,000۔ پورے سال میں آپ کے پاس کتنے بچے؟ 24,000۔ تو اس پر کہاں سے زکوٰۃ آئی؟ 24,000 اگر یہ نصاب کی قیمت ہو گئی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے 24، تو بس یہی 24,000 پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ وہ 12 لاکھ پہ جو ہر مہینے کما رہا تھا۔ آپ کما کر کے جتنا اپنے اوپر خرچ کر دیے اس پر زکوٰۃ نہیں، کما کر کے جو آپ بچا کر کے رکھے ہیں ضرورت سے جو زیادہ، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہی فرق ہے، ٹیکس جو ہے انکم پر لگتی ہے، گورنمنٹ جو ہے نا ہماری انکم پر ٹیکس لگاتی ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس کا ٹیکس دو، بچا رہے ہو وہ الگ ہے۔ اور شریعت نے ہم کو کیا کہا ہے؟ جتنا چاہے کماؤ، خرچہ کر دیے تو اس کی پوچھ نہیں۔ 1 کروڑ کمائے مہینے میں اور تمہارے 98 لاکھ خرچ ہو گئے، اس کی شریعت نے زکوٰۃ نہیں مانگی۔ 2 لاکھ اگر تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں تو اس کی، لیکن گورنمنٹ کیا مانگے گی؟ 1 کروڑ کمائے ہو، انکم ٹیکس پورے 1 کروڑ کی ٹیکس تمہیں دینا ہوگا۔ یہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے اگر کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کی نیت سے مگر 1 سال ہو گئے اب تک گھر نہیں بنا سکے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ آپ کی نیت دیکھی جائے گی، آپ جو جگہ خرید رہے تھے تو گھر بنانے کی نیت سے نا، تو ابھی چاہے 10 سال بعد بھی بنائیں، آپ نے نیت کیا ہے گھر بنانے کی، تو جب تک آپ گھر نہیں بنائیں گے کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس جائیداد پر زکوٰۃ نہیں دینی۔ آپ اپنے گھر بنانے کے لیے وہ زمین لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس کل 250 گرام سونا ہے، اس میں سے کچھ سونے پہ لون لیا ہے تو وہ بینک میں ہے، باقی سونا میرے پاس ہے، تو کتنے سونے پر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ پورے 250 پر یا صرف اس پر جو میرے پاس باقی بچا ہوا ہے؟
अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, 250 ग्राम सोने के जो मालिक हैं, इन्होंने 50 ग्राम सोना बैंक में रख दिया और उस पर पैसे ले लिया है, बैंक पैसे दिए हैं ना इसको, और 200 ग्राम इनके पास है। अब ज़कात जो है आपके 200 जो आपके पास है इसी पर है, क्योंकि वो गिरवी है और आपके पास पैसा है, उस 50 ग्राम का पैसा है। अगर वो पैसा पूरा सही सलामत आपके पास है, 50 ग्राम का जितना भी मिला, वो 200 ग्राम सोने में मिला के ज़कात देंगे आप? बात तो एक ही हो गई, 50 ग्राम सोने पर जो बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, अगर वो पूरे खर्चा कर दिए आपके पास नहीं है तो उसकी ज़कात नहीं, लेकिन वो भी रखे हुए हैं आपके पास और 200 ग्राम घर का सोना भी है, तो अमाउंट और 200 ग्राम दोनों सोना मिला करके सबकी मिला के ज़कात देनी होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, अब आपने पूरे खर्चा कर दिए और तो बैंक में जो 50 ग्राम सोना है उसकी ज़कात नहीं जब तक कि आप उसको छुड़ा करके नहीं लाते, क्योंकि अभी आप फ़िलहाल उसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि उसके बदले में आपने पैसे ले लिए। सवाल ये है, मेरे पास 2 लाख रुपये थे, वो मैंने कर्ज़ हसना दिया है, क्या मुझे 2 लाख रुपयों पर ज़कात देना है जबकि वो मेरे पास अभी वापस नहीं आए? क्योंकि आपको देना है, आप मालिक हैं उसके, कर्ज़ा किसी और को दिया है आपने, आप ज़कात आज दे दो, हो सकता है वो कर्ज़दार जल्दी वापस लौटा भी देगा इंशाल्लाह, नहीं तो उसमें खराबी, उसकी नीयत ख़राब होने के भी अंदेशे हैं। अब ये है कि आपकी है कि नहीं वो रकम आपकी है ना, आज उसके पास है, अभी वो दे नहीं रहा है। चलो वही वाला मसला जो पहले मैंने कहा, 5 साल के बाद भी अगर उसने लौटाया तो पूरे 5 साल की ज़कात देनी हो, अभी तो आपके लिए ठीक है, गुंजाइश, अगर आप अभी नहीं देना चाह रहे हैं उसकी उस अमाउंट की ज़कात, ठीक है, आपके पास नहीं है वो 2 लाख, लेकिन 5 साल के बाद जब वो 2 लाख वापस आपके पास आ गए तो पूरे 5 साल की काउंट करके आपको ज़कात देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस वक्त भी मालिक थे, आप भी मालिक हैं। इसीलिए हर साल अगर उसकी निकालता ही रह जाए तो अच्छा है कि जिस दिन वो आएगी तो आप फ्री रहेंगे, पूरे 2 लाख रुपये आपके पास रहेंगे, वरना फिर जब आएगी 10 साल के बाद तो ज़कात उसमें पता नहीं कितनी बढ़ चुकी होगी। हाँ, यहाँ तक आज के ये मसाइले शरईया थे। और एक क्या आखिरी सवाल क्या था? परवरिश में लगा सकते, यही दिया है कि देखें जिन बच्चों की परवरिश में आप लगा रहे हैं क्या वो मुस्तहिक हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मालिक निसाब हैं, यतीम भी बहुत सारे करोड़पति होते हैं, तो खाली यतीम होना ज़रूरी नहीं है बल्कि वो मुस्तहिक है कि नहीं देखें, अगर वो मालिक निसाब नहीं है यतीम बच्चे तो बिल्कुल उनकी परवरिश में लगाना अफजल काम है, उनका वहक है। सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। शरीयत ताहिरा पर हम सबको अल्लाह तबारक